नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के रामकोला नगर पंचायत में। चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज हम उपस्थित हैं रामकोला नगर पंचायत के बसपा कार्यालय यानी कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय संदीप जायसवाल जी के निजी आवास और कार्यालय पे। चूंकि किसी आवश्यक कार्य से नेताजी से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन उनके पूजनीय पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे चाचा जी क्या कहना चाहेंगे नगर वार्ड की जनता से। चाचा जी, आपके नगर वार्ड में विकास भइल बा? हमारे नगर क्षेत्र में जो है जो कुछ विकास हुआ है बहुत साधारण हुआ है। अच्छा। और मेरा संदीप जायसवाल बसपा नेता के रूप में चयनित हो रहा है, और मैं यह जानता हूँ कि मेरा बेटा जो है बहुत ही विकास करेगा, और नगर क्षेत्र के लिए वह अपने तन मन धन से लगा करके और गरीबों का उत्थान कर करके वह समाज में एक नेता के रूप में प्रकट होगा। चाचा जी, राउर नाम का है? मेरा नाम सीताराम जायसवाल है, मेरे बेटे का नाम जो है संदीप जायसवाल है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बसपा नेता है और प्रत्याशी भी है। चाचा जी, क्या संदीप जी चुनाव जीत जाएंगे तो विकास बढ़ेगा? बहुत से विकास उसके दिल में है और विकास करेगा भी है, विकास करने लायक भी है वो। कहीं ऐसा तो नहीं जनता सोच रही है कि संदीप जायसवाल जो है लड़के हैं, लवंडी हैं, लवंडी पना में चुनाव लड़ रहे हैं? संदीप जायसवाल ऐसा लड़का है जो गरीबों का मसीहा भी है और गरीबों के साथ उत्थान भी किया है। कहीं से ऐसे प्रोग्राम में गया है वो कि किसी का बेटी के शादी के पर्पज से या शामिल हुआ है, अपने पास से पैसा लगा कर किसी का दुख दर्द करता है, और गरीबों का उत्थान के लिए वह जो है बहुत ही उत्तम काम करता है, और विकास का उसका ध्येय है और विकास बहुत ही ज़्यादा कराएगा वो। बहुजन समाज पार्टी से कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, वह गरीबों का जो है पार्टी है और गरीबों के साथ वह उसका आना जाना बहुत ही उत्तम है और विचार भी उसी अनुसार उसका काम करता है। देखा जाए चाचा जी, पिछले चुनाव विधानसभा में तो बहुजन समाज पार्टी का कुछ विशेष महत्व नहीं रहा। लग रहा है कि नगर पंचायत चुनाव में कुछ छाप छोड़ेगी बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी के ये प्रत्याशी चुने हुए हैं, और जो है ये जो नगर क्षेत्र अध्यक्ष के पद पर हैं इस समय, और वह इनका इतना हौसला है कि मैं विकास के काम इतना आगे बढ़ा दूँ ताकि जनता हमको चुने, और मैं इस कदर पहुंचा दूं, जनता का सेवा करूं, जनता का विकास करूं, और जनता के लिए सब कुछ तन मन धन लगा करके अपना जो है उन्नत के मार्ग पर विचार करूं। जनता का सहयोग मिला है चाचा जी? जनता का बहुत ही सहयोग मिला है, बहुत से ज़्यादा मतों से यह विजयी होंगे। युवाओं का कितना सहयोग मिला है? युवाओं का साथ में है इनके, करीब करीब समझिए 25% इनका युवाओं के साथ है, और बुजुर्गों का भी साथ है, सबका आशीर्वाद है इनके साथ, स्नेहपूर्वक जो है संबंध सबसे अच्छा है जी। विकास होगा चाचा जी? बहुत से विकासें होंगी। हाँ, क्या क्या बनेगा रामकोला में? रामकोला की छोड़ दीजिए, रामकोला तो जो कुछ बना है बनाई है, लेकिन इसके साथ साथ जो है रामकोला का भी विकास होगा और नगर क्षेत्र का भी विकास होगा। जो गांव जुटा वो भी विकास? हाँ, जो गांव जुटा है उनका ध्येय है, बहुत उत्तम विचार है, गाँव को एक सम्मानित रूप से जो है जनता के साथ वह निभाएंगे अपना कार्यक्रम, और गरीबों का ये बहुत ही मसीहा है, और गरीबों के उत्थान के लिए जो है जो भी कदम होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ाएंगे जी। चाचा जी भी हैं बगल में, बैठिए चाचा, बैठिए 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 बैठिए, चाचा जी भी हैं, हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी संदीप के लिए? हाँ, संदीप जायसवाल जो है बहुत कर्मठ और ईमानदार संघर्षशील व्यक्ति हैं। अच्छा, विकास उकास करेंगे? हाँ, विकास वो करेंगे, क्योंकि वो शिक्षित भी हैं और गरीबों के मसीहा भी हैं। अच्छा। हाँ, वो बहुत बढ़िया अपना विकास करेंगे। जनता उनकी बातों को समझ रही है? हाँ, बिल्कुल समझ रही है, जिसमें 70% जनता जो समझ रही है उनकी बातों को। क्या लग रहा है चुनाव जीत निकल जाएगा? आशा बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि 90% आशा दिखाई दे रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे रामकोला की जनता से? क्या नगर पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे संदीप बाबू के लिए? भाई, यही हम कहना चाहेंगे कि उनको जो अपना योगदान दें, अपना वोट देकर उनको विजयी बनावें और विकास कार्य में प्रगति हो। क्या कहना चाहेंगे चाचा, अपील क्या करेंगे रामकोला नगर की जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे संदीप बाबू के लिए? मैं संदीप
जायसवाल के लिए यह अपील करूँगा, जनता इनको अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं आप लोगों के मसीहा हैं, आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मत दें और जो है इनको जिताएं, ताकि इस नगर क्षेत्र का विकास हो और बहुत से ज़्यादा विकास हो, ताकि आने वाला समय लोग यह समझे कि हाँ कोई प्रत्याशी खड़ा था और ये जो है इनको विजय बना करके इनको आगे बढ़ाइए। तो संदीप जायसवाल जी के पिताजी से हमारी मुलाकात हुई, चूँकि संदीप जायसवाल जी किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं। चाचा जी का कहना है कि अगर संदीप जायसवाल जी नगर के अध्यक्ष होते हैं तो विकास की गंगा बहेगी और पूरा नगर जो है एक सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। आगे क्या होगा हम आगे अपडेट देते रहेंगे, तब तक देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। और नेताजी के लिए ज़रूर कमेंट करें कि वाकई में अगर नेताजी नगर रामकोला के अध्यक्ष होते हैं तो कितना विकास होने वाला है, कमेंट जरूर करें। देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।